कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई खाली नारे तक ही सीमित रहेंगे। अगर हम खाली नारे तक सीमित रहेंगे तो हम बीजेपी से बढ़ के और कुछ भी नहीं है, फिर वही हो गया ना जो वो खाली बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। तो इसलिए इस नफरत से मैं इसको उन ठेकेदारों से, चंद ठेकेदार, देखो कभी भी जो है एक, मैं आपके माध्यम से बात करनी चाहता हूँ भाइयों, ध्यान से देखना। देखो मैं एक आपको शेर सुना देता हूँ, ना हिंदू हैं अच्छे, ना मुसलमान हैं अच्छे, ना सिख हैं अच्छे, ना ईसाई हैं अच्छे। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना, ना हिंदू हैं अच्छे, ना मुसलमान हैं अच्छे, ना सिख हैं अच्छे, ना ईसाई हैं अच्छे। दिल नेक है जिनके वही इंसान हैं अच्छे, दिल नेक है जिनके वही इंसान हैं अच्छे। तो भाई किसी धर्म को, अगर कोई धर्म वाला गलत कर रहा है तो उसको उस धर्म से मत जोड़ो, उसे हिंदू भी मत कहो। अगर मैं सिख होकर कोई गलती कर रहा हूँ तो मुझे सिख भी मत कहो, मुझे इंसान भी मत कहो, मैं इंसान से भी गिरा हुआ हूँ। अगर ऐसी हरकत हुई है तो वो इंसानियत से भी गिरी हुई हरकत हुई है। कोई धर्म हमें नहीं सिखाता कि पानी पीने को मनाई हो, कोई धर्म नहीं सिखाता हमें कि रोटी खाने को मनाई हो। अरे यहाँ भी तो हमारे हिंदू भाइयों के लंगर लगे हुए हैं, यहाँ भी तो हमारे सिख भाइयों के लंगर लगे हुए हैं, यहाँ भी तो हमारे मुसलमान भाइयों के लंगर लगे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई नफरत का बीज बीज रहा है और इस बीज को खोल के फेंकना पड़ेगा। कुछ चंद लोग हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, क्या हम लड़ेंगे? हमें नहीं लेना चाहिए। हम, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बात बताओ, आप कुरान को, गीता को, गुरु ग्रंथ साहिब जी को, बाइबल को, सब जगह पवित्र ग्रंथ, सबके सबके पावन ग्रंथ हैं, सब मानते हैं अपनी अपनी जगह, मानना चाहिए, सबको सीधा करना चाहिए। अब उनको एक जगह रख दो, आपको सवाल करता हूँ, आप कुरान, कुरान हिंदू मुसलमान सबके ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब, सबको एक जगह रख दो, क्या वो कभी आपस में लड़ते हैं? अगर हमारे ग्रंथ नहीं लड़ते तो ग्रंथ को पढ़ने वाले क्यों लड़ते हैं? इसका मतलब ये ग्रंथों को पढ़ाने वाले गलत पढ़ा रहे हैं। कभी नहीं ग्रंथों में किसी में ये लिखा हुआ कि ये वो फलाना है, ये ढिमका है। अरे हम भाई सब इंसान इंसान हैं, और मैं ये कहता हूँ आपके माध्यम से कि सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है दुनिया के अंदर तो वो इंसानियत है, इंसानियत है। तो ये चंद लोग अगर और कह रहा, अजान से तकलीफ हो रही है, कोई पानी पीने जा रहा तो उसको मार रहे हैं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, बहुत कड़ी शब्दों में। और इसी हमारे इस अज्ञानता की ही कमी से ये लोग, राजनीतिक लोग, हमें आपस में लड़ा के और भाई अपनी रोटी सेकते हैं, अपने वोट बटोरते हैं। तो हमें इसी से दूर रहना है। ये बीजेपी की बेईमानी सामने आ रही है, 4 महीने होने के बाद भी बात ना सुनी जाए, और इतने शहीद होने के बाद किसान बात ना सुनी जाए, तो इसका मतलब है कि बेईमानी है मन के अंदर। अगर वो ये समझते कि किसान भी हमारे ही हैं, हम किसानों के, हम मतलब भाषण देना और कहना खाली कि भी किसान तो हमारे दिल में बसते हैं, और 300 शहीद होने के बाद भी एक शब्द ना बोलना उनके मुंह से, और मतलब हल ना निकालना, तो इसका मतलब तो ये है कि भी बेईमान हैं और मन के अंदर बेईमानी है। मतलब जबान पे कुछ और है और अंदर कुछ और है, मुंह में राम राम और बगल में छुरी है, जिसे ऐसे कह सकते हो। तो इसलिए मतलब इनके मन में बेईमानी है। और ये 4 महीने क्या, ये 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, 4 साल भी हो जाएंगे तो तब भी किसान तो हटने वाले हैं नहीं, बट इनकी बेईमानी हर एक कदम पे सामने आती रहेगी। जैसे जैसे सामने आई, जैसे जैसे शुरू से लेके आखिर तक आप हिस्ट्री उठा के देख लो आंदोलन की, कभी तो जब पंजाब से हमारे भाई चलते हैं तो पंजाबियों को कभी कुछ बोलते हैं, कभी हरियाणा वालों को कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, फिर किसी को कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो इनको सिर्फ नाम देने आते हैं और मन की बेईमानी जो है वो सामने होती है। और ये किसान तो जानते हैं कि धरती के अंदर जो बीज बीजते हैं ना, वो बीज एक दिन बाहर निकलता है। अगर गेहूं का बीजोगे, गन्ने का बीजोगे, किसी चीज का बीजोगे, तो इनके मन में जो बेईमानी बीजी हुई है ना, वो बेईमानी बाहर आ रही है। मैं उसका, उनका विरोध करता हूँ, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। और मैं आपके माध्यम से सबके ये कहना चाहता हूँ, देखो हम बचपन से ये चीज पढ़ते पाए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर कोई मजहब है, कोई भी धर्म है, कोई धर्म नहीं सिखाता, ये धर्म के ठेकेदार सिखाते हैं, जिन्होंने धर्म का ठेका लिया होता है वो इस ठेके पे अपना, अपनी रोटियां सेकनी चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, कोई भी हो, ये हमारा भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते में हर एक तरह का फूल है। यहाँ अजान की आवाज भी आती है, यहाँ पूजा की भी आती है, मंदिर की भी आती है, गुरुद्वारे की भी आती है, यहाँ टोपी वाला भी हमारा भाई है, पगड़ी वाला भी भाई है, तिलक वाला भी भाई है। तो हम सब खाली नारे लगाएंगे क्या? आपने देखा कि भी उन्होंने खड़े होकर यहाँ तक भी बोल दिया भी किसानों का तो हमें बहुत दर्द है जी, किसान तो हमारे दिल में बसते हैं जी, किसान को अगर एक आवाज दे तो हम वहां आ सकते हैं जी। तो इसका मतलब है ये खाली बातें करते हैं और इनकी बातों पर नहीं आना।
अगर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं तो जब किसी गरीब की लड़की को आग आग के हवाले कर दिया गया, उसकी लाश उसके माता पिता को भी नहीं दी गई, तो क्या समझते हो आपकी बच्ची हो और उस बच्ची की लाश जो है मतलब मिले ना तो मतलब उसका जला दिया गया, तो इससे बड़ी शर्मसार घटना कोई हो सकती है? तो इसका मतलब है भाई साहब ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं और इसीलिए ये देश को बर्बादी की कगार पे लेके जा रहे हैं। कोई बात नहीं, सरकार हमसे बात करेगी, हम सरकार से नहीं करेंगे, ये भी बात रख लेना। और ये भी ध्यान रख लेना कि क्या किसान कम हो गए हैं। देखो भाई साहब यही बात है, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ सारों के, देखो जी जो मीडिया है हमारा बहुत बड़ा एक ताकत है, मीडिया मीडिया से बड़ी ताकत कोई भी नहीं है। आप यहाँ आवाज दोगे ये आवाज पूरी दुनिया में चली जाएगी। अब बात तो यही है कि गोदी मीडिया इतना बिक चुका है कि खाली वही बात करता है जो उनको पैसे मिलते हैं जिस चीज के, जो जो बिक जाते हैं, तो मतलब जब वो बिकी हुई बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आवाज दबाने की कोशिश होती है। लेकिन आप गांव में चले जाओ, आप घर घर में चले जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ ये आंदोलन कम नहीं हुआ, ये हकीकत आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ये आंदोलन जड़ों में बैठ चुका है। अगर माँ अपने बेटे को रोटी दे रही है ना घर पे, तो वो पूछ रही है कि बेटा बॉर्डर पे किसान आंदोलन में क्या हो रहा है। अगर डरना होता तो भाई साहब मोदी जी वहाँ चुनाव के लिए इतने बड़े प्रचार के लिए पूरी ताकत वहाँ ना झोंकते, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ईएम के भी सवाल उठता है, बिल्कुल उठाते हैं, हर एक उठा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये मालूम है कि हम सेटिंग कर लेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, जब धीरे धीरे इतने झूठ सामने आ जाएं तो ये एक दिन जनता है, जो जनता बनाना जानती है ना, जो जनता कुर्सी पर बैठाना जानती है, वो बता देता हूँ कुर्सी पे से उठाना भी जानती है, ये याद रख लेना। हाँ ये बात आपने बहुत बढ़िया की, और आप मेरे से नहीं किसी से भी, यहाँ बच्चे से भी पूछोगे ना, इस आंदोलन ने हमें जो चीज दी है वो मैं भाइयों आपको बता रहा हूँ, हमें बहुत बड़ी चीज दी है कि यहाँ पे किसी का धर्म, किसी का मजहब, किसी की जात नहीं पूछी जा रही, हमें एकता बहुत बड़ी चीज दे दी आपने। यहाँ पहले जैसे बट रहे थे तो जी ये पाकिस्तान, ये मतलब पंजाब के, ये हरियाणा के, ये उत्तर प्रदेश के, बहुत बड़ी चीज इस आंदोलन ने दे दी है, भारत वर्ष को इस आंदोलन ने इतनी बड़ी चीज दे दी है कि हम इस चीज को भूल चुके हैं कि कौन जाट है, कौन कौन है, कौन कौन है, हम सब एक जगह बैठ चुके हैं। इससे बड़ी ताकत, एक ऐसे बड़ी ताकत कोई नहीं होती। तो इस आंदोलन में एकता दिया है, आप भी जानते होंगे, यहाँ पर निकलते होंगे तो कोई भाई कहता है भाई साहब आ जाओ प्रसादा छक लो, भाई साहब लंगर छक लो, भाई साहब चाय पी लो, अरे यही तो धरती पर स्वर्ग है, इससे बड़ा स्वर्ग और क्या हो सकता है, यहाँ कोई नहीं पूछ रहा। तो ये आंदोलन ने बहुत बड़ी चीज दे दी है कि भाई साहब एकता जो दे दी है ना, और ये एकता ही देख लेना एक दिन इनकी कुर्सी के लिए मुसीबत का कारण बनेगी। इस आंदोलन ने हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखा दिया है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, नफरत से नहीं जिंदगी जी जाती, बाहें खलार के अपनी छाती के लगा के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को ये वो जीवन जिया जाता है। तो ये आंदोलन ने हमें बहुत बड़ी एकजुटता दी, 300 से ऊपर शहीद हो चुके, मैंने यही बात बोल दी। अगर उनको किसानों का दर्द होता, अगर मेरा कोई होगा तो मेरे से मेरी राजी खुशी पूछेगा ना, मेरा दर्द पूछेगा ना, इसका मतलब है वो किसी के नहीं है, बस वो पता किसके है, हम दो हमारे दो के हैं, वो किसी के नहीं है, वो सिर्फ हम दो और हमारे दो के हैं, इसीलिए वो किसी को नहीं पूछ रहे, कोई मरे कोई जिए कोई कुछ हो इसलिए नहीं पूछ रहे। अगर वो देश के प्रधानमंत्री होते, अगर वो सब किसानों के प्रधानमंत्री होते तो भाई साहब जरूर वो मतलब चिंता जाहिर करते, लेकिन वो हम दो और हमारे दो के हैं, वो तो बस हाथ पकड़ के यही बोलते कि वादा रहा जो तुम कहोगे मैं करता रहूंगा। तो भाई साहब ये बात हकीकत।